नमस्ते, मैं हूँ मिमी शर्मिष्ठा। वेलकम टू मिमीज़ क्विज़िनिया। मैं आज बनाने वाली हूँ स्वीट सेज़वान पास्ता। इंग्रेडिएंट्स: सेज़वान सॉस, हनी, कैरेट, कैबेज, बीन्स, पास्ता, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल। मैंने गैस ऑन करके मैं यहाँ पे कढ़ाई बिठा कर पानी दे दिया है बॉयल करने के लिए, और थोड़ा नमक डाल रही हूँ। पास्ता डालने से पहले हम पानी में थोड़ा नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून। पानी अच्छे से बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हम अभी पास्ता डालेंगे। डाल दिया है मैंने पास्ता। पास्ता को हम पानी में अच्छे से बॉईल करेंगे। पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है, इस बीच मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था पास्ता एक दूसरे के साथ चिपके ना। हम चम्मच से थोड़ा काट कट देख लेंगे कि पास्ता हमारा हुआ या नहीं। चम्मच से मिलाते जाए इसको, और ये मैंने कट कट देख लिया, पास्ता हमारा बॉईल हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और पास्ता को हम छन्नी में डालकर छान लेंगे। पास्ता को छनने के बाद हम थोड़ा ठंडे पानी से पास्ता को धो लेंगे, क्योंकि गैस से उतरने के बाद भी बॉइलिंग प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। ठंडे पानी देने के बाद वो प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, तो पास्ता हमारा अच्छे से बॉयल हो जाता है, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा। अभी मैंने तेल गरम करके कैरेट और कैबेज दे दिया है। मैं अभी कैप्सिकम दे रही हूँ। अच्छे से सबको एक साथ फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और हम सेज़वान सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून। छोटा चम्मच हो तो 2 टेबल स्पून एंड बड़ा चम्मच हो तो 1 टेबल स्पून काफ़ी है। अभी हम हनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर पतंजलि का हनी यूज़ किया है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हनी यूज़ किया है। अच्छे से सबको एक साथ मिला दे सॉस, हनी और सब्ज़ी को।